आरएस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम फिर हेडमास्टर टीईटी एवं प्रधान शिक्षक के लिए एक सेट लेकर के आए हैं। ये तीसरा सेट है। हमने इस सेट को दो भाग में बांट दिया है। इसमें एक सामान्य अध्ययन देंगे, जिसमें इतिहास का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, साइंस का और पॉलिटी, मेंटल एबिलिटी, मैथ, इतना चीज़ का इसमें क्वेश्चन है। और इस सेट में 26 क्वेश्चन भी आए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसकी आने की पूरी संभावना है, जिसको हमने लाल रंग से टिक मार दिया है। जो जो लाल रंग से टिक मार दिया है उस क्वेश्चन को कम से कम याद कर ही जाइए। इसमें 26 क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वो आने की पूरी संभावना है। और इसके बाद हम जो बीएड और डीएलएड का जो क्वेश्चन है उसको हम अलग से कर रहे हैं, दो भाग में कर देने से समय कम में हम इसको कर पाते हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। आरएस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए, ये आपको अच्छा लगने ही वाला है। तुरंत आपको पता चलेगा कि इसमें 25-26 क्वेश्चन जो हमने लाल रंग से टिक मार दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप याद करते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल कहता है निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है। ये हो जाएगा हमारा आंसर पाकिस्तान, पाकिस्तान में है ये। दूसरा कहता है हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया। हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया है। तीसरा कहता है टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है। टाइफून से सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होता है इसके बारे में पूछ रहा है। सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है चीन सागर। चार नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन से अस्थाई पवनों का उदाहरण है। अस्थाई पवन का उदाहरण है व्यापारिक पवन। कहता है सिख धर्म की पवित्र पुस्तक, सिख धर्म का पुस्तक है गुरु ग्रंथ साहिब, हिंदू धर्म का महाभारत, रामायण, भगवत गीता हिंदू धर्म का ये हो गया, और सुख गुरु ग्रंथ साहिब है सिख धर्म का। फिर कहता है किस लेखक की पुस्तक में रस्टी नामक पात्र है। ये रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है जिसमें रस्टी नामक पात्र है। सात नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ट्रॉफी क्रिकेट में नहीं दी जाती है। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट में है, एसएच कप क्रिकेट में है, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में है, राइडर कप क्रिकेट से जुड़ा हुआ नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा राइडर कप। फिर कहता है आठ मूल जड़ का अवशोषण में संबद्ध भाग है। जड़ का जो अवशोषण होता है मूल रोम होता है उसी से ये होता है। नौ नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनाया। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, अकबर ने नहीं बनाया। तो आगरा का किला अकबर ने बनाया है, लाहौर का किला अकबर ने बनाया है, इलाहाबाद का किला अकबर ने बनाया है, ग्वालियर का किला आपको ये नहीं बनाया है। ग्वालियर का किला मान सिंह तोमर ने ग्वालियर का किला को बनाया है। दस नंबर है वृक्षों के लघुकरण छोटा करने की जापानी कला, यानी कि वृक्ष को बौना करना बोनसाई कहलाता है। बोनसाई वृक्ष को बौना करना। पौधे का आद्र पतन रोग किसके द्वारा होता है। यह हो जाएगा आंसर हमारा पाइटोफ्लोरा इफेक्टस।
इसके बाद 12 नंबर कहता है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, हम टिक मारे हुए हैं, इसको एकदम याद कर लेंगे। 61वां संविधान संशोधन में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इसके बाद कहता है 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक सबसे पुराना है। कहता है सबसे पुराना स्मारक, सबसे पुराना अजंता की गुफा है, इसमें बुद्ध भगवान के जातक कथा बनाया हुआ है, जातक कथा को चित्र के रूप में बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टिक मारे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेंगे। कहता है कि किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम का मंदिर बनाया गया। पल्लव राजवंश, एकदम याद रखेंगे, महाबलीपुरम पल्लव, पूरम पूरम से पा से पल्लव, याद रखेंगे। इसको दो भाग में पद करेंगे तो महाबली पूरम, पूरम में जो है पा उसी से संबंधित यहाँ पा हो गया। चलिए इसके बाद करेंगे 15 नंबर। 15 नंबर कहता है, विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती है। कहता है कि जहाँ मौसम बदलता है, यानी कि आंधी तूफान आता है, बारिश होता है, ये सब किस क्षेत्र में होता है, तो क्षोभ मंडल में। ये पृथ्वी का सबसे, वायुमंडल का सबसे निचला भाग है। एक नंबर क्षोभ मंडल होता है सबसे नीचे, उसके बाद होता है आपको क्षोभ मंडल, उसके बाद है समताप मंडल, उसके बाद है आयन मंडल, सबसे ऊपर है बहिर्मंडल। मैजिक सीट्स पुस्तक के लेखक कौन है। मैजिक सीट्स पुस्तक के लेखक बीएस नायपाल हैं। डेट्रोइट्स, ये कहता है कि किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। ये अमेरिका में एक जगह है, डेट्रोइट्स ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। 18, अवांछित भुगतान संतुलन की समस्या कब होती है, यानी कि आयात ज़्यादा होगा निर्यात कम होगा। 19 नंबर कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राजकोषीय नीति तैयार करता है। वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है। 20 हो जाएगा, भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई। अप्रैल 1952 में पहला चुनाव हुआ था। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है भारतीय संविधान पर भारत सरकार अधिनियम 1935 का। भारतीय संविधान में लगभग 50% इसी से लिया गया है, 50% लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है भारतीय संविधान को। उसके बाद फिर कहता है, भारत में समुद्री गाय किसके, बायो रिजर्व, समुद्री गाय मन्नार की खाड़ी, एकदम याद रखेंगे, समुद्री गाय मन्नार की खाड़ी। पूंजीवाद के अंतर्गत विकास प्रक्रिया को सर्जक विनाश के रूप में किसने वर्णित किया है। कहता है किसने वर्णित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोम पीटर डी। कहता है फिर ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखेंगे, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों का स्थापना किया है। उत्तर भारत में कई शहर की स्थापना किया है, फिरोज शाह तुगलक, फिरोजाबाद, इसके जैसा कई शहर इन्होंने बसाया है, फिरोजाबाद जैसा शहर, फतेहाबाद, फिरोजपुर, ये सब शहर को इसी ने बसाया, फिरोज तुगलक ने। फिर कहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, मूंगे की चट्टान, मूंगा के चट्टान के लिए फेमस जगह कौन सा है। मूंगे की चट्टान के लिए फेमस जगह है हमारा कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी में मूंगा की चट्टान पाया जाता है, समुद्र में यह है, कोरल इसको बोलते हैं। अकबर का अभिरक्षक कौन था, एकदम बैरम खां, याद रखेंगे, भी आई क्वेश्चन है ये। भारत की पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में, याद रखेंगे 1526 ईस्वी में पहली लड़ाई, दूसरी 1556 में, 1556 में दूसरी लड़ाई। गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमानियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक हरिहर सेकेंड,
एकदम याद रखेंगे इसको हरिहर। सेकंड, गरीबी हटाओ का नारा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, पांचवी योजना, गरीबी हटाओ का नारा पांचवी योजना में दिया गया था। इसके बाद है 30 नंबर, पता है मानचित्र पर समान दबाव, समान दबाव वाले क्षेत्रों को एकदम इम्पोर्टेंट है, समान दबाव जहां भी आएगा बार आइसोबार, दबाव जहां भी आएगा वहां आइसोबार मारेंगे, एकदम आइसोबार एकदम बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेंगे। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त उष्मा को एकदम इम्पोर्टेंट है, फूड सूर्य से जो उष्मा प्राप्त होता है उसे आपतन आपतन कहते हैं, एकदम याद रखेंगे इसको। ध्रुवीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पौधे और पशु जातियों की विविधता क्या होती है, बढ़ती जाती है। उसके बाद करेंगे 33, निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं में बचत को बढ़ावा देना है, महिला समृद्धि योजना, एकदम याद रखेंगे ये। निम्नलिखित में से कौन लंबी दूरी के टेलीफोन के आविष्कारक हैं, टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल। टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं, महेश भूपति। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे स्थापित किया गया, नियंत्रण बोर्ड का। चलिए इसके बाद 37, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अहिंसा दिवस गांधी जी के जन्मदिन को मनाते हैं, 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्मदिन है। इसके बाद फिर 38, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 38 पूछता है भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है, तो संघीय शब्द का प्रयोग कहीं हुआ ही नहीं है भारतीय संविधान में, बहुत ही इंपॉर्टेंट, भी आई। उसके बाद करते हैं 39, कहता है 39, निम्नलिखित में से विषम गुच्छाटी है, यानी कि तीन में कोई ना कोई एक समानता है और एक है, चलिए लाल सागर एक समुद्र है जबकि कैस्पियन सागर, मृत सागर और काला सागर ये तीनों झील है, ये तीनों झील है और ये समुद्र है, एकदम याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट, भारत रत्न, भारत रत्न जानते हैं हम लोग कि भारत रत्न दिया जाता है किसी समाज सेवा क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए, भारत रत्न दिया जाता है आपको। बुकर पुरस्कार ये किताब जो अच्छा किताब लिखता है उसके लिए दिया जाता है, और पुलित्जर पुरस्कार ये पत्रकारिता के लिए, याद रखेंगे पत्रकारिता के लिए है ये, पत्रकारिता के लिए, ये बहुत पूछता है, ये भी पूछता है पत्रकारिता के लिए पुलित्जर पुरस्कार, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा बुकर पुरस्कार। चलिए एकदम बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में नहीं है, कहता है राजस्थान में नहीं है, तो सरिस्का राजस्थान में है, सांवर वन्यजीव राजस्थान में है। इसके बाद आ जाएगा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में नहीं है, और रणथंभौर ये है, यानी कि आंसर हो जाएगा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। चलिए इसके बाद फिर कहता है एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और ये कन्फ्यूजन करने वाला है, चूँकि कहता है लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, लक्ष्मीबाई थी झांसी की रहने वाली, इसलिए इसमें झट से मारिएगा आप झांसी, लेकिन इसका आंसर होगा ग्वालियर, एकदम याद रखेंगे लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, बहुत ही बढ़िया एक कॉलेज है जो फिजिकल का ट्रेनिंग करवाता है और ये ग्वालियर में है, एकदम याद रखेंगे इसको, झांसी कभी नहीं मारेंगे। कौन सा संशोधन दल बदल, एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, दल बदल 52वां संशोधन, यानी कि राजनीतिक दल के नेता इधर से उधर अब नहीं जा सकेंगे। काला सागर आर्थिक सहयोग क्षेत्र में 12 देश हैं, फिर कहता है संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है, सुविधा के अनुसार करता है, इसका आंसर हो जाएगा केटी शाह, इसका आंसर है केटी शाह। चलिए फिर इसके बाद करते हैं 46, कहता है 1951 में ANJUS पर हस्ताक्षर किए थे, इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका।
इसके बाद है पाक जल संधि, एकदम देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, नाम है पाक जल संधि, यानी कि सबको मारेंगे पाकिस्तान, लेकिन यह है भारत और श्रीलंका के बीच में, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में। इनमें कौन सार्क का सदस्य नहीं है, म्यांमार, बर्मा। पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहिता कौन होता है, इसमें कहता है कि पूर्ण स्पर्धा में, तो इसका आंसर हो जाएगा 49 का आंसर हो जाएगा फर्म इसका हो जाएगा 50। कहता है कौन सा ओपेक का सदस्य नहीं है, ओपेक का सदस्य नहीं है दक्षिण अफ्रीका। उसको तो कहे प्रोटॉन की संख्या समान किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो, तो उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से, डाउन सिंड्रोम वाला होगा हॉटिंगटन रोग से पर इसमें ग्रसित हो जाता है। एक किशोर वय मनुष्य में समान रक्तदाब, एकदम ब्लड प्रेशर याद रखेंगे 120/80 ब्लड प्रेशर बीपी, ऊपर वाला 120 नीचे वाला 80, 120/80 एकदम याद रखेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये 53। चलिए इसके बाद करते हैं 54 कहता है कि बैटरी का आविष्कार किसने किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, वोल्टा बैटरी का आविष्कार वोल्टा साहब ने किया था। कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा व्यवस्थित कहता है द्रुततर महंगा और अपेक्षाकृत छोटा संग्रह हो जाएगा, इसका आंसर कैसे। चलिए फिर कहते हैं 56, कस्टर्ड पाउडर बनाने में निम्नलिखित में से किसका सामान्यतः प्रयोग किया जाता है, मकई का प्रयोग किया जाता है। LHC किस मशीन के लिए, लार्ज हैड्रॉन कॉलिडर, इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए कहता है फिर इसके बाद कहता है 58, जीवन की रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति को प्रयोगशाला में किसके द्वारा सिद्ध किया गया था कहता है, तो ये किया गया था मीलर के द्वारा सिद्ध किया गया था। मृग मरीच का, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, मृग मरीच का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मृग मरीच का जहाँ भी होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कहता निम्नलिखित में से न्यूनतम वेग कांच में, देखिए न्यूनतम वेग हम बताए थे इसके पहले भी सेट में, बैगनी किरण प्रकाश हो जाएगा, विगोर VIBGYOR रेड का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ और भी का सबसे कम वेवलेंथ इससे घटते की ओर आएगा, इससे R से कम, O का O से कम, Y का इस तरह से घटते सबसे कम हो जाएगा भी का, यानी कि वायलेट बैगनी प्रकाश। साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है, यह घोल के पृष्ठीय तनन को कम कर देता है, यह घोल को शक्ति देता है, इसका आंसर हो जाएगा आपको, यह घोल के पृष्ठीय तनन को कम कर देता है। चलिए फिर कहता है 62, हेमिका डाटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, 62 में हेमिका, इसका आंसर हो जाएगा कोशिका गुच्छ के द्वारा। मानव हड्डी का मुख्य घटक, एकदम मानव हड्डी का मुख्य घटक कैल्शियम, यादम याद रखेंगे, कैल्शियम की कमी से हड्डी कमजोर होने लगता है। वायु को संतृप्त कम माना जाता है जब दाब न्यूनतम हो, नहीं, वायु को संतृप्त माना जाता है जब इसकी मोटाई अधिकता हो, इसमें जल वाष्प का अंश अधिकतम होता है, जल वाष्प की अधिकतम अंश होता है तब उसे हम संतृप्त वायु कहते हैं। रेक्टिफायर्स का उपयोग, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे, रेक्टिफायर का प्रयोग हमेशा करते हैं AC से DC में बदलने के लिए, रेक्टिफायर को हम लगाते हैं AC से DC में बदलने के लिए, रेक्टिफायर का हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए इसके बाद है 66, अयस्क के ताप उपचार के प्रयोग को जिसमें गलाना और पकाना शामिल है उसको कहते हैं पायरोमेटालर्जी, आंसर हो जाएगा पायरोमेटालर्जी। वह कौन सा गुण है जो प्रकाश तरंग में दिखता है, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, एकदम इसको याद रखेंगे। कहता है कि वह कौन सा चारों में वह कौन सा गुण है, विवर्तन, अपवर्तन, व्यक्तिकरण, ध्रुवन,
जो कि प्रकाश में होता है और ध्वनि में नहीं होता है। तो पोलराइजेशन ध्रुवन, पोलराइजेशन कभी ध्वनि में नहीं होता है। पोलराइजेशन हम लोग गॉगल्स लगाते हैं, पोलराइज गॉगल्स लगाते हैं, यानी कि एकदम याद रखेंगे ये ध्वनि में नहीं दिखता है। बीजों को किस स्थिति में रखने से संरक्षित किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कहता है। बीज हम लोग रखते हैं तो उसको कैसा जगह में रखना चाहिए, बीज को रखने के लिए सबसे सुरक्षित जगह कैसा होना चाहिए, तो वह स्थान होना चाहिए ठंडा होना चाहिए और शुष्क भी होना चाहिए, वहाँ पर पानी की मात्रा नहीं होनी चाहिए, शुष्क और ठंडा। 69, नारियल का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, भ्रूणपोष, नारियल खाते हैं हम लोग भ्रूणपोष, एकदम याद रखेंगे इसको, नारियल भ्रूणपोष। 70, कहता है टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा, टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा विद्युत ऊर्जा होता है, कम वोल्टेज में रहता है विद्युत ऊर्जा। फिर कहता है पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जा सकते हैं, स्कंदन के द्वारा हटाए जा सकते हैं। फिर कहता है 72, एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर है तो इसे क्या कहेंगे, मल्टी प्रोसेसर कहेंगे, मल्टी मतलब ही होता है मोर देन वन इज कॉल्ड मल्टी। फिर कहता है 73, SMPS का पूरा रूप क्या होगा, स्पीच मोड बिजली की आपूर्ति। 74, कहता है इसमें से कौन अक्रिय गैस नहीं है, यानी कि तीन गो अक्रिय गैस है, एक अक्रिय गैस नहीं है, बिल्कुल आसान, रेडॉन अक्रिय गैस है, आर्गन अक्रिय गैस है, नियॉन अक्रिय गैस है, जबकि कार्बन अक्रिय गैस नहीं है। जब ग्रेनाइट की चट्टानों का रूपांतरण होता है तब क्या बन जाता है, नीस बन जाता है, एकदम याद रखेंगे ग्रेनाइट की चट्टान रूपांतरित होकर के नीस बन जाता है। एक प्रश्न है 76, कहता है 735 रुपया की राशि को ए बी सी के बीच में विभाजित किया गया, यदि उन सबको 35 रुपया कम मिले तो उनका हिस्सा 1:3:2 के अनुपात में होता है, तो सी को कहता है कि कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा कहता है, इसमें सी को कितना मिलेगा, इसमें हो जाएगा, इसको कर देते हैं हम, इसको कर देंगे 75 माइनस 105 कर देंगे इसको, 35 माइनस 105 आप बटा कर देंगे, रेशियो मिल रहा है 1:3:2 और गुना 2 कर देंगे, इसको काट कूट कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 245 रुपया, 245 रुपया आंसर इसका, 245 किसमें है, 245 इसका आंसर है चॉइस नंबर डी, 245 रुपया हो जाएगा। चलिए इसके बाद करते हैं हम लोग 77 कहता है एक डिब्बा में 5 रुपया 2 रुपया 1 रुपया के सिक्के हैं, सिक्के की कुल संख्या 400 है और उसमें संबंधित मूल्य का अनुपात 25×14×8 है, तो 2 रुपया के सिक्के की कितनी संख्या है, कहता है 2 रुपये का सिक्का कितना है इसमें, वही पूछ रहा है इसमें कि 2 रुपये का सिक्का कितना है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको पहले बांट लेंगे हम लोग, इसको कर लेंगे 25/5, इसको हो जाएगा 25/5 कर देंगे और 14/2 हो जाएगा, फिर बराबर हो गया 8/1 हो गया, तो कट गया 5 से 5 और 2 7 और 8, इसका रेशियो हो जाएगा 5 7 8 रेशियो हो गया इसका। अब इसके बाद निकाल लेते हैं 2 रुपये के सिक्का की संख्या, तो 2 रुपये के सिक्का की संख्या हो गया हमारा, 2 रुपये के सिक्के का संख्या हो जाएगा हमारा 400 400 बटा 5+7+8 × 7, आंसर कर देंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 140 आंसर हो जाएगा इसका, आंसर 140 इसका सी चॉइस आंसर हो जाएगा। चलिए अभी कहता है विराट का जो संबंध बामन से है तो वही संबंध प्रतिभा का किससे हो जाएगा, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट इसको याद रखेंगे, विराट का उल्टा होता है बामन, विराट का उल्टा है विलोम है बामन, तो प्रतिभा का उल्टा हो जाएगा क्या, प्रतिभा का उल्टा मूर्ख हो जाएगा आंसर, प्रतिभा का उल्टा मूर्ख। कहता है सचिन कमल मोहन अरुण और राम 5 मित्र है, चलिए देखिए इसमें कहता है सचिन कमल से लंबाई में छोटा है, सचिन क्या है लंबाई में छोटा है,
फिर कहता है किंतु राम से लंबा है, और राम से लंबा है, मोहन सबसे लंबा है, मोहन सबसे लंबा कर दीजिए, मोहन सबसे लंबा है, अरुण थोड़ा छोटा है कमल से, अरुण क्या छोटा हो गया, कमल से थोड़ा छोटा हो गया, कमल से थोड़ा छोटा हो जाएगा, इसे थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो सबसे दूसरे नंबर पर कहता है कि कौन हो जाएगा, दूसरे नंबर पर कौन आएगा, तो दूसरे नंबर पर कमल, कमल इसका आंसर हो जाएगा, आंसर कमल इसका आंसर हो जाएगा। चलिए कहता है 80, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर 4 मीटर 3 मीटर है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल कहता है निकालिए, तो इसका हो जाएगा हमारा 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब इसको हम कर देंगे, इसका हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा कितना, 5 प्लस 4 हो जाएगा, 5 प्लस 4 गुना 3 हो जाएगा, यानी कि 9 गुना 2 गुना 3, 5 और 9 गुना 2 18 गुना 3, 18 54 54 मीटर वर्ग मीटर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए फिर कहता है अहोम जनजाति, एकदम याद रखेंगे असम से संबंधित है, असम में ये पाया जाता है अहोम जनजाति, बागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है, देव प्रयाग, एकदम भी आई, ये क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है, भागीरथी और अलकनंदा नदी जहाँ पर मिलती है उसे कहते हैं हम लोग देव प्रयाग, देव प्रयाग भागीरथी नदी नदी और अलकनंदा नदी। इसके बाद कहता है अंटार्कटिका में अनुसंधान केंद्र, भारत ने जो अंटार्कटिका में जो अनुसंधान केंद्र बनाया उसका नाम है दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री एकदम याद रखेंगे। इसके बाद कहता है लोक चित्रकला मधुबनी पेंटिंग कहाँ से संबंधित है, तो बिहार से संबंधित है, मिथिला में ये होता है, मिथिला में मधुबनी पेंटिंग। बिहार भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर, योजनाबद्ध तरीका से बसा हुआ शहर कौन है, चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ को बसाया गया है। चलिए इसको 85-86 कहता है लक्का द्वीप मिनिकोय अमीन देवी द्वीप पर नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया है, 86 संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है 1973 में, इसका आंसर हो जाएगा 1973 में, इसका आंसर हो जाएगा 1973 1973 इसका आंसर हो जाएगा। ले इसके बाद करते हैं 87 कहता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है, भारत के राष्ट्रपति निर्धारित करता है। उसके बाद कहता है 88 इम्पोर्टेंट सवाल, एकदम याद रखेंगे इसको, कहता है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितना दिन का प्रैक्टिस होना चाहिए वकालत के रूप में, तो 10 वर्ष का प्रैक्टिस होना चाहिए वकालत के रूप में हाई कोर्ट में उसी को। कहता है यूएनओ में कितने अंग है, यूएनए के 6 अंग है, 6, ये तो हम याद रखेंगे, 6 अंग यूएनओ का। भारत में रेलवे तंत्र की स्थापना 1853 में मुंबई से थाने सबसे पहले चलाया गया था ट्रेन। कहता है एक दूध विक्रेता ने लागत मूल्य पर दूध को 25% बेचकर लाभ कमाने के लिए दूध में पानी मिला दिया, पानी और दूध का अनुपात कहता है कितना हो जाएगा, पानी और दूध का अनुपात पूछ रहा है, तो पानी और दूध का अनुपात हो जाएगा कितना, 25% कर रहा था, यानी कि 25/100 हो गया, यानी कि 1/4 हो गया, 1/4 1:4 इसका आंसर हो जाएगा, 1:4 आंसर हो गया कौन, 1:4। फिर कहता है 92 यदि 1 रुपये में 4 की दर से केला खरीदा, एकदम इम्पोर्टेंट है, कहता है कि 1 रुपया में 4 केला खरीदा और कितना केला वो बेचे कि उसको 33.1/3% का लाभ हो जाना चाहिए, उतना कि हमको लाभ हो जाना चाहिए, तो इसको बेचेगा 3 केला बेचेगा तो इसको लाभ हो जाएगा इसको। चलिए इसके बाद कहता है एक आयताकार कारपेट का क्षेत्रफल कितना है, 120 मीटर स्क्वायर है और परिमाप 46 मीटर है, इसका आंसर हो जाएगा आपको 17 मीटर ये थोड़ा लंबा हिसाब बनेगा, इसको अलग से बनाना पड़ेगा, इसलिए इसको 94
किसी पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है, 10 वर्ष पुत्र की आयु का योग 5:2 है, अनुपात में था, तो कह रहा है पिता की आयु वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, पिता की वर्तमान आयु हो जाएगा हमारा इसमें x मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 90 - x, तो x माइनस दस बटे हो जाएगा 90 - x है ना गुना माइनस 10, इसको कर देंगे तब ये हो जाएगा हमारा कितना है 5/2 कह रहा है, देखिए ये 5/2 कह रहा है, इतना बराबर 5/2 कह रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x - 20 बराबर हो जाएगा हमारा 400 - 5x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको इधर ले आएंगे 5x को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 7x = 420, 7x बराबर हो जाएगा हमारा, 7x बराबर हो जाएगा यहाँ पर ये 400 है तो 400 ये जाएगा ये पटी तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 420, 7x = 420 तो x बराबर हो जाएगा हमारा कितना 420/7, 420/7 642, 60 इसका आंसर हो जाएगा इसका 60, 60 नंबर कहाँ है, 60 नंबर है यहाँ आपको डी नंबर, 60 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। फिर कहता है 95 में कहता है ए किसी काम को 5 दिन में करता है और बी उसी काम को 4 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, तो दोनों को जोड़ देंगे यानी कि 1/5 + 1/4 एलसीएम ले लेंगे इसका तो हो जाएगा 5 और 20 तो 5 4 तो 4 + 5 यानी कि 9/20 इसका हो जाएगा, यानी कि 20/9 दिन में, 20/9 इसका आंसर हो जाएगा, 20/9 किस में है, 9 × 2 = 18 20/9 20 का आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद करते हैं 96, कहता है 96 सी ए बी को 6 के रूप में लिखते हैं, बी ई डी को 40 के रूप में कुटिबद्ध करते हैं, तो एच ए डी को कहता है कि कितने के रूप में हम इसको कुटिबद्ध करेंगे, 96 कहता है तो सी ए बी, सी का मान है 3 एक और ए का मान है 1 और 2, चलिए इसको हम अगर इसको बनाएं तो हो जाएगा इसका मान है ना 3 नंबर पर है, ये 1 नंबर पर है और ये 2 नंबर पर, तो 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 3 दोनों 6 हो गया ये है ना। उसके बाद बी ई डी कहता है तो बी ई डी हमारा है, बी है 2 नंबर पर, ई है 5 नंबर पर और ये है 40 नंबर पर, ये 2 5 2 5 या ये है डी है 4 नंबर पर, तो 2 + 10 = 40 इसका 40 देखिए हो गया आंसर। उसी तरह से कहता हैड, हैड तो एच कितना नंबर पर है, हैड में हो जाएगा हमारा एच है 8 नंबर पर, 8 × a = 1 × d = 4 तो 8 × 1 = 8, 8 × 6 = 32, 32 इसका आंसर हो जाएगा, 96 में 32 हो जाएगा इसका आंसर, 32 इसका आंसर कहाँ दिया है, 32 इसका आंसर दिया है, यह आंसर हो जाएगा इसका 32। चलिए इसके बाद फिर कहता है 97 कहता है जिस प्रकार सिनेमा का संबंध दर्शक से है, सिनेमा का संबंध दर्शक से है, सिनेमा क्या करता है, दर्शक जाकर के वहाँ बैठ के सिनेमा को देखता है, तो चर्च में क्या हो जाएगा समागम, वहाँ सब लोग पहुँचते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं तो समागम इसका आंसर हो जाएगा। 98 यदि 2 दिन पहले 9 नवंबर 14 तारीख थी और रविवार का दिन था तो आने वाला कल कहता है क्या हो जाएगा, आने वाला कल कह रहा है कि इसका क्या हो जाएगा, तो इसका आने वाला कल यह है 9 यानी कि 9 10 11 दो दिन हो गया 11 और एक दिन आगे कहता है वर्तमान तो 12 हो गया, तो 12 नवंबर 14 हो जाएगा हमारा, 12 नवंबर 14 इसका आंसर हो जाएगा हमारा, 12 नवंबर 14 बृहस्पतिवार, 12 नवंबर 14 है बृहस्पतिवार। चलिए इसके बाद फिर 99 कहता है, 99 है कहता है प्रेमा का एक पुत्र है जिसका नाम आनंद है, प्रेमा का एक पुत्र है जिसका नाम आनंद है, राजीव प्रेमा का भाई है, राजीव प्रेमा का भाई है,
कहता है राजीव है, राजीव प्रेमा का, जिसका नाम आनंद है, प्रेमा का पुत्र हो गया, एक पुत्र है जिसका नाम आनंद है, यानी कि प्रेमा का पुत्र आनंद हो गया, आनंद प्रेमा का भाई है। चलिए इसको देख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा चचेरे मुसेरे, ये भाई भाई बहन हो जाएगा। चलिए बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको देख लेते हैं। ये कहता है कि 2 4 6 = 8, 6 2 4 = 0, तो 3 2 7 = 6 और 4 2 3 = कितना। देखिए इसका हो जाएगा आंसर, इसको करते हैं, इसका रीजनिंग है, ये रीजनिंग से दिया है, मेंटल एबिलिटी से दिया है, तो इसको क्या करें, इसको कर दें कि इसका, इसको हम कर दें कि 6 4 10। देखिए ये 6 4 10 दोनों को जोड़ दें और 2 घटा दें तो 10 में से 2 गया तो 8 हो गया। अच्छा इसको देख करके देखते हैं, 4 और 2 दोनों जोड़ दें और 6 घटा दें तो 6 में से 6 गया, देखिए 0 हो गया, मेरा आंसर मिल गया। 7 और 2 9, 9 हो गया और 9 में से 3 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा। उसी तरह से 3 और 2 5 और 5 में से 4 घटा देंगे, 5 में 4 घटा देंगे, आंसर हमारा 1 हो जाएगा। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, लाइक कर दीजिए, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ सके। इसके बाद हम तुरंत इसका बीएड और डीएलएड वाला जो क्वेश्चन डालेंगे, दोनों को अलग अलग कर दिए हैं जिससे कम समय में हम प्रैक्टिस कर सकें, आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। थैंक यू।